हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अनदर वीडियो, जिसके अंदर अपन ये देखने वाले हैं मेनली कि अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालते कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसके क्या क्या मेथड हैं, ये अपन देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो जिसके अंदर अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उससे पहले अपन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड और वैसा का वैसा ही वेटेज में भी अपन कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपन को जब निकालना होता है वो अपन किस तरीके से निकालते हैं, उसको निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिख रखी है। अपन थ्योरी में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर वैसे भी थ्योरी है नहीं, ठीक है। तो सीधा अपन इस पे चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, इसके स्टेप्स वगैरह और इसकी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह सब कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो सीधा अपन चलते हैं इनके मेथड्स पे, कौन कौन से मेथड है, क्या क्या मेथड है, क्या क्या काम आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से। कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल सेम है किसके जैसे, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में जो लास्ट पीयर्स मेथड था ना, उसके जैसा बिल्कुल सेम है। अब लास्ट पीयर्स मेथड कहाँ पे पढ़ा था अपन ने, अपन ने पढ़ा था वो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो मैं आई कार्ड पे लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना, उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो उसका मेथड क्या था, उसका था अपना सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू हंड्रेड। ये फॉर्मूला उसका था और यही फॉर्मूला इसका भी है, मतलब सेम टू सेम वहां से उठा करके यहाँ पे रख दिया है, समझ गए। अब अगर अपन बात करें सेकेंड मेथड है इसका, फैमिली बजट मेथड, ठीक है। फैमिली बजट मेथड किसका कॉपी है, फैमिली बजट मेथड कॉपी है वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव का, ठीक है, जो अपन ने वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव में देखा था। क्या फॉर्मूला था उसका, फॉर्मूला था सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। इसके स्टेप्स वगैरह पे नहीं जाऊंगा मैं, सीधा आपको क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा और क्वेश्चन से ही अपन ये दोनों सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेप्स वगैरह इसको डिटेल में देखना हो तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, किसकी, एक तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की और देख लेना वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की, जिसके अंदर अपन ने लास्ट पीरियड मेथड का लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके क्वेश्चन से। क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन ले रहा हूं और उसी के हिसाब से अपन आगे की चीजें करेंगे, इसके अंदर दोनों मेथड से कर लेंगे। अब मैं कलर चेंज करके यहाँ पे देखता हूँ, ये वेटेड क्या होगा, एक तरह से क्यू जीरो हो गए। प्राइस क्या हो गई ये वाली, ये प्राइस हो गई अपनी पी ज़ीरो, ये प्राइस हो गई पी वन, ये मान लो 2023 की और ये है 2024 की, ऐसे मान लो, या फिर ये 22 ले लो और ये 23 ले लो, ओके, ये ज़्यादा रिलेटेबल है, समझ गए। अब अपन को क्या काम करना है, अब अपन को लिखनी है चीज़ें। अब वो चीज़ें कौन कौन सी है, अपन को सबसे पहले लिखना है वैल्यू वेट्स। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं फैमिली बजट मेथड कर लेते हैं, ठीक है। फैमिली बजट मेथड क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वेट्स वगैरह ये लिखा है तो सीधा वही काम करते हैं। अब पहली बात है कि वैल्यू वेट्स कैसे निकलते हैं, तो वैल्यू वेट्स निकलते हैं वेट ऑफ क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय पी जीरो, इससे क्या निकल जाते हैं, अपने वैल्यू वेट्स निकल जाते हैं। वैल्यू वेट्स इज इक्वल टू पी जीरो इंटू क्यू जीरो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 40 इंटू सिक्स, क्या आ जाएगा 240। अब ऐसे ही सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो, सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2 4, फिर आ जाएगा 2 3 1, फिर आ जाएगा 65, फिर आ जाएगा 30। ये आ गया अपना पी जीरो क्यू जीरो, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, वैल्यू वेट्स भी बोलते हैं। फिर अपन को निकालना है आर, आर कैसे निकलता है भाई, आर देखो, आर निकलता है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड, ओके, आर निकालते हैं। पी वन क्या है, 4 अपॉन कितना करना है, 6 इंटू हंड्रेड, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 66.7। ऐसे सबके निकाल लेने हैं, ठीक है, सबके निकाल देते हैं 171.4, फिर आ जाएगा 145.4, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 300,
ओके, ये अपने आर आ चुके हैं। अब अपन को निकालना है आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू कैसे निकलता है? आर इंटू डब्ल्यू, ये क्या है, एक तरह से डब्ल्यू ही है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा देखो, 16008, फिर आ जाएगा 383936.6, ओके, फिर आ जाएगा 33587.4, फिर आ जाएगा 5200, फिर आ जाएगा 9000, ठीक है। ये आ गया अपना आर डब्ल्यू। अब क्या करना है अपन को, टोटल चाहिए, टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 790 सिग्मा, ओके। और फिर अगर अपन आर डब्ल्यू का टोटल निकाल लें, सिग्मा आर डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा अपना 102,189, ये आ जाएगा अपना आर डब्ल्यू का सिग्मा, और ये सिग्मा है किसका, वेट का, ओके। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपना सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है अपना, लगा देते हैं। सिग्मा आर डब्ल्यू क्या है, सिग्मा आर डब्ल्यू है 102189, ये आया सिग्मा आर डब्ल्यू। फिर अपने पास नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 790, जब अपन इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 129.35, ये आ गया अपना क्या, फैमिली बजट, पूरा लिख देता हूँ, फैमिली बजट मेथड, ठीक है। ये फैमिली बजट मेथड से आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, ओके। फिर अपन बात करते हैं, अपन को क्या चाहिए, अपन को अब निकालना है, अब अपन को निकालना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में अपन को वैल्यू वेट्स नहीं चाहिए, अपन को चाहिए P0Q0 जो अपने पास है। ये अपन ने कैसे निकाला था, P0Q0 से निकाला था। R नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए, P1Q0, ओके। और फिर अपन को क्या चाहिए, फिर अपन को कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो चीज़ें ही अपन को चाहिए ओनली। तो P0Q0 निकला हुआ है, अब अपन को सीधा निकालना है P1Q1। P1 इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, ओके, कर देते हैं। क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 160, फिर आ जाएगा 384, फिर आ जाएगा 336, ये 4 है ना, फिर 336, फिर आ जाएगा 52, फिर आ जाएगा 90, ओके, ये आ गया। अब अगर अपन इसका टोटल निकाल लें, सिग्मा करें, तो ये आ जाएगा 1022, और यहाँ पे सिग्मा, नॉर्मल सिग्मा रहने दो, आपको पता है ये सिग्मा किसका है, P0Q0 का है, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। अब P0 सिग्मा P1Q0 क्या आया, ये आया अपना 1022 अपॉन क्या है, सिग्मा 790 इंटू 100, ओके, इज इक्वल्स टू करते हैं। और अगर अपन इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करते हैं, यहाँ से सिग्मा हटा दो, 790 है ना, गलती से लिखने में आ गया। अब इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1.294 इंटू 100, और जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 129.4। अब देखो ये अपना क्या निकल गया, ये अपना निकल गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से, क्या निकला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकला। अब देखो इसमें 129.35 और इसमें क्या है, 129.4, लगभग सेम है, ठीक है। तो दोनों चीज़ से सेम आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लगभग छोटा सा फर्क हो सकता है, बट ये दो मेथड है, कौन कौन से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, समझ गए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।